यू इडियट, मेरी गाड़ी का कांच तोड़ा। तुम्हारी गाड़ी के ऊपर मेरी फिल्म का रील है, तुम लेकर कहाँ जा रही हो उसे? तुम्हें तो लोगों से झगड़ा करने की फुर्सत नहीं है और तुम्हारी फेंकी हुई चीजों पे मैं ध्यान रखूं। चिल्लाओ मत, रील दो मेरी। लफंगा, सॉरी बोलने के बजाय मुझे ऑर्डर दे रहा है। तुम्हें रील चाहिए ना? देती हूँ, अभी देती हूँ। इसे रील चाहिए, अब तो दूंगी ही नहीं। क्या करना है कर लो। अरे रुक जा बहन। अरे बाप रे, वासु, चलो वासु। अरे रे, बीच में कहां से आ गया? अरे हट 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 हट। वासु, वो पता नहीं कहां गायब हो गई, क्लाइमेक्स का रील लेकर चली गई। ए, बकवास बंद कर। गाड़ी का नंबर नोट किया ना? TN01789। RTO ऑफिस जाके एड्रेस निकाल और रील लेके आ। मैं थिएटर जा रहा हूँ। भाई भाई, हम लोग फंसे हुए हैं, एक एड्रेस चाहिए, जल्दी से हमें दिला दो ना। चलो साहब, जल्दी से उसका एड्रेस हमें दे दो ना, उसके पास हमारी फिल्म का रील है। कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं आया, इसलिए जानकारी नहीं मिलेगी। ऑपरेटर को बुलाता हूँ, चलिए। फिल्म चालू हो चुकी है, अभी तक रील लेके क्यों नहीं आया? अब क्या करूं मैं? सुन भाई, पीछे के टायर में हवा नहीं है, घर जाते वक्त भरवा लेना, ठीक है? ऐसे तो पगार मिली है ना। और कितना केक खाओगी बेटी? मेरे लिए नहीं मम्मी, एक राउडी है उसके लिए। कौन राउडी? आपको नहीं पता? मुझे कैसे पता चलेगा? तुम्हारी गाड़ी का आगे वाला कांच टूटा है, वो भी तो मुझे नहीं पता। और मुझे न पता चले इसलिए तुमने छुपा कर रखा है ना। हे भगवान, हे भगवान, कहाँ रखी है? मिल जाओ। हे राउडी। दीदी दीदी, आया दीदी। स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। खाओ, आज मेरे पापा का बर्थडे है। दीदी, आप मुझे केक खाने के लिए दे रही हैं, वैसे ही मुझे क्लाइमेक्स का रील दे दीजिए, चला जाऊंगा। क्लाइमेक्स का रील ना, वो देखो आ गया। कहाँ? हाँ, मामा। मामा नहीं, मेरे चाचा। इन्हें मामा ही कहते। खड़े हो जाओ। ये है डेप्यूटी कमिश्नर मिस्टर रंजीत बोस। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त? दोस्त और दुश्मन के बीच का। एक और मामा आ गए। ये ना मेरे भाई हैं, मिस्टर अशोक रत्नम, असिस्टेंट कमिश्नर। ये सभी लोग मेरे पापा का बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, दोस्त और दुश्मन के बीच का। दीदी, देर हो रही है। दीदी, चुप बैठो। पहले तुम केक खाओ। अरे बाप रे। दीदी, अब ये मामा कौन है? हाँ, ये मेरे पापा है, पुलिस कमिश्नर, नाम है बिरला बोस, IPS। कौन है मोहनी, इस तरह क्यों खड़ा? तुम्हारा दोस्त है? ओ, दोस्त का दोस्त दुश्मन होता है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन। दीदी। अच्छा तो वो क्लाइमेक्स रील पापा आ गए ना, उनसे ही बात कर लेते हैं, है ना? पापा, एक्चुअली बात ये है ना? एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम में फंसे हैं सर, मुझे रील नहीं मिले तो थिएटर बंद हो जाएगा। हे भगवान, क्लाइमेक्स की रील दिला दो। साहब, मैं चलता हूँ साहब। हंस क्यों रही हो बेटा? कुछ नहीं पापा। हाँ, कुछ काम आ गया होगा इसलिए भाग गया। ना संत ना साधु, प्रेम पुजारी, कोई शायर होता लिख देता शायरी। तेरी तो, तू क्या? भाई, 15वीं रील लगाया हूँ, 16वीं के लिए रुका हूँ, रील अभी तक नहीं लाया। रील कहाँ है? वासु, लगता है फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं होने वाला है। उस लड़की का घर घर नहीं है, पूरा पुलिस हेडक्वार्टर है वासु। ऊपर से वहाँ एक खतरनाक आदमी भी रहता है, वो पुलिस कमिश्नर है और वो उस लड़की का बाप है। अच्छा, कमिश्नर कौन है? उसके नाम से वो बड़ा आदमी लगता है, उसका नाम क्या पता है? बिरला बोस।
भाई, उस कमिश्नर का क्या नाम बताया तुमने? अब ये भी पूछने लगा। हाँ, बताना ही ठीक रहेगा। उसका नाम बिरला बोस है। बोस बिरला, ऑटो निकल, हम रील लेके आते हैं। जल्दी चलो बासु, नहीं तो देर हो जाएगी। वासु, मैं भी तुम्हारे साथ आऊं। बैठ जाओ। वासु, यही उसका घर है। हाँ सुनो, वो सब्जी काट के रख दो, बाकी मैं सब कर दूंगी। हाँ ठीक है। कौन हो तुम? हाँ कौन है? हाँ अरे कौन हो तुम? बिना बोले घर में घुस गए, क्या कर रहे हो तुम? हाँ गायत्री बेटा, जरा अपने पति और ताऊजी को फोन करना। अरे कौन हो तुम? हाँ कैसे घुसा अंदर? ए फोन रखो, मैंने कहा फोन रखो नीचे। शोर कैसा है मम्मा? मम्मा को छोड़ो पहले। रील कहाँ है? मैंने पूछा रील कहाँ है? रील चाहिए ना, लाती हूँ। दे दो बेटी, छोड़ दीजिए। पहले मम्मा को छोड़ो। मम्मा कैसे ले जाते हो? अरे तुझे तो मैं निकलो, चले जाओ यहाँ से, गेट आउट, निकलो मेरे घर से, निकलो। नहीं बेटे, मुझसे उलझना मत। अरे वाह, तू लेकर आ गया। वासु तू महान है। वासु जल्दी चल। वासु ए, गाड़ी चला। तुम्हारे हाथ में खून कैसे लगा? मैंने कहा चल। हाँ वो अंकल वहीं पे रह गए। अरे उसको छोड़, तू चल। अरे सिक्योरिटी, कहाँ मर गए थे तुम? घर में आदमी घुसकर चाकू दिखाकर सामान लेकर चला जाता है और तुम सोते रहते हो। साहब को आने दो, बताती हूँ उनको, नहीं छोड़ूंगी। ये भगवान, बच गया मैं। वासु सच में तुम भगवान की तरह आकर बचा लिए। तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत थी? पुलिस वाले की बेटी हूँ ना, इतना तो बनता है। डॉक्टर जरा आराम से। कौन था वो? हमें क्या पता, सीधे घर के अंदर घुसाया, मुझे चाकू दिखाया और इसका हाथ काट दिया। रुको 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 रुको, चाचा जी जरा भैया की आंखें बंद करो ना। ओके लगाइए। ए भाई क्या काम है, चलो आगे बढ़ो जाओ। ए मोहिनी बताओ कि आखिर हुआ क्या था? वेट वेट वेट, ये बताओ किस हीरो की रील है? मिस्टर रजनीकांत। फिर तो क्रिमिनल थिएटर के आसपास ही होगा। हाँ भैया, इस शहर में किस थिएटर में रजनीकांत की फिल्म लगी हम पता कर सकते हैं। वो हमें थिएटर के आसपास ही मिलेगा। एक बार वो हमारे हाथ लग जाए तो हम उसे मजा चखा देंगे। थिएटर वालों को पता चला तो वो और ज्यादा हंगामा करेंगे। की हालत देख रहे हो ना, सुबह सुबह कमिश्नर के घर आकर कमिश्नर की बेटी को उसने चाकू मार दिया। बात करोगी? जब देखो मुँह चलाती रहती है। भैया मैं तो कहता हूँ उसे पकड़ कर किसी क्रिमिनल केस में 10-15 साल के लिए अंदर कर देते हैं। नहीं, कोई भी झूठा केस नहीं। पापा के सर पे बस ईमानदारी का भूत चढ़ा रहा है। क्या करें, मोहिनी को FIR करने के लिए बोलें? अगर ऐसा हुआ तो पूरी इज्जत नीलाम हो जाएगी, जानते हैं ना? ऐसा कुछ नहीं। मोहिनी चलो अंदर। चलो, घर के बहुत काम है। दोनों एक बात ध्यान से सुनो, जो कुछ हुआ भूल जाओ। अशोक भैया तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, उसे पहले पकड़ कर हम लोग अंदर डालते हैं, बाद में उस पे कौन सा केस डालना है वो हम बाद में देख लेंगे। पर भैया को पता नहीं चलना चाहिए, चाहे वो जो भी।